हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है कि एम्प्लॉई को जो सैलरी देते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है? जी नहीं, कभी नहीं सुना। क्या आपने सुना है कि अगर एम्प्लॉई को जो सैलरी देते हैं, डायरेक्टर्स को जो सैलरी देते हैं, अब हम डायरेक्टर्स के ऊपर आते हैं, क्या डायरेक्टर को जो सैलरी देते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है? जीएसटी की तो बात ही नहीं है। ये पीछे हम इनडायरेक्ट टैक्स में भी पढ़ चुके हैं और जीएसटी में भी आज की डेट में ये हम अभी तक भी पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, जहां जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होगा वहां जीएसटी नहीं लगता, ऐसा हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा हुआ है। बट नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेज कि आज हम ये वीडियो और ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। लेटेस्ट रूलिंग AAR अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग राजस्थान की ये कहती है इन द केस ऑफ अ क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में कि हम डायरेक्टर्स को जो सैलरी देते हैं, कंपनी जो डायरेक्टर को जो सैलरी देती है, विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, और एम्प्लॉई जो डायरेक्टर है वो एम्प्लॉई ट्रीट नहीं किया जाएगा, और डायरेक्टर्स को एज अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर ये सर्विसेज कंपनी को रेंडर कर रहा है, अपनी ड्यूटीज निभा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, और कंपनी इस केसेस में एज अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा और इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। आइए कुछ इन बातों को डिस्कस करते हुए मैं प्रवीण शर्मा इस बात को, इस मुद्दे को यहाँ पे हम उजागर करते हैं, और कहीं ये गलती है या पॉइंट है या कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से हमें क्लेरिफिकेशन लेना होगा, वो हम इस बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। बहुत ही स्मॉल वीडियो इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे। सो सबसे पहले चीज, हम बेसिक चीजों पर चलते हैं कि ये चीज है क्या। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच की रिलेशनशिप शेड्यूल 3 में कवर है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, डायरेक्टर्स इज टू बी ट्रीटेड एज ए एम्प्लॉई, ये कई एक्ट में कहा भी गया है। मैं एक्ट बता देता हूं, ईएसआई के अंदर भी, पीएफ के अंदर भी, यहां तक कि कंपनीज एक्ट जो आज के डेट में 2013 है और 1956 में भी, सब हर कोई डिफरेंशियल एक्ट के में अंदर भी बताया गया है कि डायरेक्टर्स टू बी पार्ट एज अ एम्प्लॉई, डायरेक्टर्स टू बी ट्रीटेड एज अ एम्प्लॉई। अगर डायरेक्टर को जो ट्रीट करते हैं एज अ एम्प्लॉई, उसके ऊपर टीडीएस कटता है, उसके ऊपर पीएफ भी कटता है, उसकी सैलरी के ऊपर टीडीएस भी कटता है, उसकी सैलरी के ऊपर पीएफ भी कटता है, तो आप कहेंगे कि सर अगर उसकी सैलरी के ऊपर टीडीएस कटता है, पीएफ के पीएफ भी कटता है, दैट इज टू बी ट्रीटेड एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर द इनकम टैक्स हेड ऑफ द रेस्पेक्टिव डायरेक्टर्स, यह मान के चलते हैं। यहां पे हम कुछ और यहां पे पॉइंट्स को एड ऑन इसलिए भी करते हैं कि ये टीडीएस जो कटेगा वो सेक्शन 192 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कटेगा, बट अगर मैं 194J में एज अ प्रोफेशनल फीस लेता हूं अपने डायरेक्टर से, तो वो टीडीएस कटेगा 194J के अंदर। दोनों में अंतर है। अगर 92B में टीडीएस कटता है वो पार्ट बनता है सैलरी का डायरेक्टर्स की पर्सनल आईटीआर के अंदर, और अगर ट्रीट होता है एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज वो ट्रीट होता है एज अ बिजनेस इनकम अंडर दी डायरेक्टर्स की पर्सनल आईटीआर के अंदर। ये एक मोटा मोटी बात है जिसके ऊपर हमने बात करी कि इम्प्लॉई ट्रीट किया जाएगा डायरेक्टर्स, ऐसा कंपनी भी मानती है और कई एक्ट भी ऐसा कहते हैं। अब ये मुद्दा क्या उठा कि AAR के अंदर कि उसने इस मुद्दे को रिवर्सल कर दिया। पहले एक केस हुआ था एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटका की एक रूलिंग आई थी काफी महीनों पहले, जिसके अंदर यह भी कहा गया था कि वहां पे मुद्दा उठाया था कि वेदर दिस सप्लाई इज टैक्सेबल और नॉट। उन्होंने कहा था कि सप्लाई टैक्सेबल है। अब क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में ये मुद्दा इसलिए उठा, यहां पे उन्होंने दो मुद्दे उठाए कि वेदर दिस सप्लाई इज टैक्सेबल और नॉट एंड वेदर हु इज लायबल टू पे द टैक्स, क्या ये रिवर्स चार्ज के अंदर आता है। सर रिवर्स चार्ज कैसे हो गया? रिवर्स चार्ज के अंदर कंडीशन ये है कि एक सप्लायर ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, दूसरा रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज होना चाहिए। नोटिफिकेशन 13/2017 सीटी रेट के अंदर बताया गया है, इसके अंदर पॉइंट नंबर 6 है, क्लॉज 6 है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर सर्विसेज बाय द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी टू द कंपनी अगर रेंडर्ड होती है, इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 9(3), और रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे करना पड़ेगा कंपनी को। सप्लायर ऑफ सर्विसेज बना डायरेक्टर्स, रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज बना कंपनी, कंपनी को एज अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज रिवर्स चार्ज के अंदर उसको टैक्स पे करना होगा। टैक्स पे होगा कैश लेजर के थ्रू, ये टैक्स पे होगा, देन उसका क्रेडिट कंपनी बाद में ले सकती है। अब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी लागू है, कई कंपनीज ने इसको फॉलो नहीं किया और ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग आज उजागर हुई है। अब यहां पे बहुत ही बड़ा
हैवॉक क्रिएट होगा मार्केट के अंदर, आने जाने वाले आपके भी कंपनी के, आप भी कंपनी हैं या कंपनी के अंदर आप डायरेक्टर हैं या आप प्रोफेशनल हो कि आपका कोई क्लाइंट कंपनी है, आपके सामने मुद्दा ज़रूर उठा होगा इन बिटवीन ये भी एक दो दिनों के अंदर कि क्या अब इसके ऊपर हम रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करें या नहीं। यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल इन माई ओपिनियन, और कईयों का ओपिनियन डिफर होगा या में से मेल खाता होगा कि ये जो सिचुएशन है, दिस रूलिंग, ये जो रूलिंग है अथॉरिटी, दिस रूलिंग इज टू बी एप्लीकेबल डिपेंड अपॉन फैक्ट्स ऑफ द केस, डिपेंड अपॉन कंसर्न टू कंसर्न, डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर स्टेट। नाउ द इस रूलिंग के अगेंस्ट अब अपील भी फाइल होगी, 30 डेज के अंदर अपील भी फाइल होगी, बट नाउ द प्रेजेंट सिचुएशन क्या, इस रूलिंग को क्लेरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट इसको बिल्कुल क्लेरिफाई करे कि ये रूलिंग जो है एक पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर है या ये रूलिंग बिल्कुल गलत है, कि कहीं ना कहीं कि जो डायरेक्टर्स है इज टू बी पार्ट एज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इट इज़ नॉट टू बी टेकन एज अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड रिवर्स चार्ज इज नॉट टू बी पेड। साथ के साथ अगर ऐसा हवा क्रिएट होगा, अगर ये चीज़ें इसके बेसिस पे, इस रूलिंग के बेसिस पे अगर मान लो लोअर अथॉरिटी अगर इसको फॉलो करना शुरू करेगी, जो कमिश्नर्स हैं, ये जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, अगर इसको फॉलो करना शुरू करेगी, ऑब्वियसली फॉलो भी करेंगी ड्यू टू द फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेवेन्यू एंड फॉर नॉट फॉर द लॉस ऑफ द रेवेन्यू, वो इसको फॉलो भी करेगी, तो उस केसेस में बहुत सारे नोटिस आएंगे, बहुत सारी अपील फाइल होंगी। टू इन ऑर्डर टू अवॉइड द लिटिगेशन, better to clarify by the government in this case, in this particular scenario, better to clarify. Thank you for watching. Stay home, stay at home, and be safe. Thank you.